नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं द्वास न्यूज। और यह बता दे, बीनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में भारतीय सेना नवमी के हवन के बाद में भव्य रूप से शोभा यात्रा प्रज्वलित किया जा रहा है। रोमांचक बना दिया कि काफी गोरखा समुदाय में महिलाओं ने यहाँ दीप प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर देखिए फूलपति शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भारतीय सेना बीनागुड़ी के गोरखा जवानों ने जमकर समा बांधी और कुकरी डांस सहित कई प्रकार के उन्होंने प्रस्तुति किया, जो यहाँ के दर्शकों का लोगों का मन मोह लिया। और सेना के जवानों के नृत्य पर यहाँ के युवक युवती भी झूमते नजर आए। आज यह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा बीनागुड़ी में गोरखा रेजिमेंट द्वारा, गोरखा सेना द्वारा, भारतीय गोरखा सेना देवी को जो है कुकरी डांस का कार्यक्रम, जब भोग लगाया जाता है तो सभी युवाओं लगाया जाता है और उनसे प्रार्थना किया जाता है कि माता इसका लुत्फ उठाए और यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया से ग्रहण करें। और वही प्रक्रिया यहाँ पे निभाई जा रही है। आइए नजदीक से दिखाते हैं। तो यहाँ माता को भोग लगाया जा रहा है नवमी का, और इस तरह से पर्दा लगाकर ये भव्य रूप से हमारी जो परंपरा है उस सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार में इसको दिखाइए। ऐसे पर्दा लगाकर भोग लगाया जा रहा है और महाप्रसाद का ये भोग बीनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में देख रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कितनी जो है ये दीप प्रज्वलित, कितना उत्साह है, बहुत उत्साह है। सभी मिलकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। अभी माँ को भोग लग रहा है, 56 भोग देख सकते हैं आप लोग, बस आनंदमय है सारा। जब पहली बार बीनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में यह दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ, इसको लेकर बहुत उत्साह देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे लोग? कहना क्या है, सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये एक दिन का विचार है, एक दिन का विचार और 10 दिन का पूजा, आज 9 दिन हो गया, कल विजयदशमी है, आज संपन्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। माँ को भोग लग रहा है, सभी आनंदमयी है, महिलाओं में देखिएगा आप हर्षोल्लास से भरी हुई है। सर, तो ये बीनागुड़ी के युवाओं का और सभी समुदाय के लोगों का या इसमें सहयोग है? जी, सभी समुदाय का, सभी जाति धर्म के लोग हमें समर्थन किए, सभी लोग मिलकर हम लोग ये आज नवरात्रि पूजा का आयोजन जो किया गया है उसको मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। और मैया सभी का हर क्षेत्र में विकास करे, लोग आगे बढ़े और इसी तरह से माँ का आशीर्वाद सभी पे बना रहे हैं। देख रहे हैं ये ललन जी हैं और ये युवा है, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्होंने सबके लिए दुआ की और सबके लिए प्रार्थना किया कि पूरा विश्व शांति हो और सभी विश्व के सभी मानव जाति का उत्थान हो। आज यहाँ 56 भोग माता को महाभोग लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इस अनुष्ठान में अभी दीप प्रज्वलित किया गया, यहाँ दीप दिखाइए, ये दीप प्रज्वलित महिलाओं ने किया और थोड़ा उधर जाके ये दीप प्रज्वलित हुआ और ये उत्साह देखिए, अभी शंखनाद हुआ है और शंखनाद के साथ माता का भोग प्रसाद, जो भोग लगाया गया है वह अभी भोग का प्रसाद को लेकर माता को प्रार्थना किया जा रहा है। हे माँ, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद को आप ग्रहण करें और भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये उत्साह बीनागुड़ी शिव मंदिर प्रांगण से देखते ही बन रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो आप लोग देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। मैं रमन कुमार झा एनी द्वास न्यूज के लिए, और आप माता का दर्शन करते हुए और अगले वर्ष फिर इसी प्रकार से पूजन होगी। और ये आज कल भी ये कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा और रविवार को यहाँ पर जो है दुर्गा विसर्जन होगा। और यहाँ पे एक समाज सेवी हैं नवल किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और बीनागुड़ी के लिए यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि पहली बार बाजार में शिव मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा का आयोजन हुआ है। इसके लिए बीनागुड़ी के समस्त जन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है कि इन्होंने अपना भरपूर सहयोग कमेटी को दिया है
और आपके सहयोग के कारण ही आज जगत जननी जगदम्बा माँ महिषासुर मर्दनी के श्री चरणों में 56 भोग अर्पण किए गए हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 56 भोग जो अर्पण किए गए, थोड़ा दिखाइए। ये 56 भोग है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन है इसमें, या नीचे दिखाइए थाल में। ये थाल में 56 भोग लगाए गए हैं, प्रसाद यहाँ पे अर्पित किया गया है। और ये बिनागुड़ी के समस्त शिव मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। नवरात्र दुर्गा पूजा कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और देख सकते हैं आप, हर समुदाय के लोग, हर सनातनी यहाँ पर, देखिए यहाँ बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। जो कोई नरेगावे, जो कोई नरेगावे, वो प्रेम सहित गावे, तहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे मूरति, जय आनंद करी मैया, जय मंगल मूरति। दर्शक वृंद, अभी माता का आरती का कार्यक्रम चल रहा है और ये लाइव आरती आप लोग देख रहे हैं माँ दुर्गे का, बिनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण से। और यहाँ देखिए कितना उत्साह है महिलाओं में ये आरती को लेकर, और सभी भक्तगण यहाँ पर कतार में इस आरती में शामिल हुए हैं। ये अद्भुत नज़ारा है और जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और ये आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज के माध्यम से, और हमारे यहाँ पे सम्मानीय व्यक्ति आए हुए हैं इस केंद्रीय विद्यालय एक के प्रिंसिपल साहब राजेश कुंजन जी। सर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा माँ के भक्ति में कुछ, वो सब पूरा माँ की भक्ति में, माँ की भक्ति में हर एक व्यक्ति मगन है। और माँ से ये प्रार्थना है कि सभी प्राणियों का कल्याण हो और जो भी मनोकामना सबके मन में है वो पूरी हो, ऐसी माँ से हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय के प्रचार महोदय भी यहाँ शामिल हुए अपने सहपत्नी और बच्चों के साथ में। तो ये बिनागुड़ी शिव मंदिर में ये अद्भुत नजारा है जिसको देखकर आप लोग ये सोच सकते हैं कि श्रद्धा कितना है लोगों में। और तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़। मैं रमन कुमार झा, बिनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में। बिनागुड़ी के इस शिव मंदिर के प्रांगण में इस दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान यहाँ पे देखिए खीर का, पायस का, तस्मई का यहाँ पर आयोजन किया गया है और भक्तों में भरपूर रूप से ये तस्मई वितरण की जा रही है। और तस्मई वितरण देख रहे हैं यहाँ पर पूरे ड्राई फ्रूट यानी कि मेवा के से भरपूर, काजू किशमिश पिस्ता बादाम से भरपूर यहाँ पर ये जो पायस का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है ये भी अद्भुत है यहाँ पर। और आप देखते होंगे कहीं दुर्गा पूजा में खिचड़ी बांटा जाता है, लड्डू बांटा जाता है, अन्य चीज पूरी हलवा बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिनागुड़ी के नवरात्रा पूजा कमेटी की ओर से खीर बांटने का, मतलब एकदम पूजा कमेटी की तरफ से मेवा से भरपूर खीर का वितरण यहाँ पे किया जा रहा है। और देखिए अभी खीर बाटी में रखाना शुरू हो गया, जैसे ही आरती खत्म होगी यहाँ पे खीर का वितरण शुरू हो गया। जी ये आप लोगों का जो है ये पायस खीर का प्रोग्राम आप लोगों ने किया है पूरा एकदम ड्राई फ्रूट और मेवा से भरपूर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि गंगा जी के आराधना में प्रसाद हमने डेली खिलाया और आज का जो प्रसाद है आज है खीर, तो ये भरपेट खीर आज जो जितना खा सके, यहाँ देखिए जो जितना खा सके प्रसाद के रूप में आप वहाँ पर भरपूर यहाँ पे जो है सेवा किया जा रहा है। पंच भोग है, 56 भोग जो माता को 56 भोग चढ़ाया गया था, वो 56 भोग की प्रसाद भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये 56 भोग जो माँ दुर्गे को अर्पित किया गया था
वही 56 भोग का प्रसाद भी यहाँ पर है, यहाँ से भी थोड़े थोड़े लोगों को दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए खीर का वितरण शुरू हो गया है। और आप माता जी का प्रसाद खाकर कैसा लग रहा है आपको, आपने को मिला? तो यहाँ पे देखिए अभी खीर परोसना शुरू हो गया है, और ये देखिए खीर का प्रसाद यहाँ पर देना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए ये उत्साह है, बीनागुड़ी में पहली बार शिव मंदिर में यह कार्यक्रम हुआ और भक्तों में उत्साह देखिए। और बारी बारी से लोग 56 भोग के प्रसाद और खीर का एकदम मेवा से पूरा बना हुआ खीर यहाँ पर लोगों को बांटा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बीनागुड़ी तेलीपड़ा हटखोला के पंचायत मेंबर है। मैडम क्या नाम है आपका? बेबी शाह। तो ये बेबी शाह जी हैं और हमारे बीनागुड़ी के तेलीपड़ा हटखोला के ये पंचायत मेंबर है। तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पे ये जीती हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है आज शिव मंदिर में ये दुर्गा पूजा हुआ है? बहुत ज़्यादा। हमारी बीनागुड़ी बहुत डेवलप कर रही है, बहुत डेवलप कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। शिव मंदिर में इतना अच्छा उत्साह से पूजा हो रहा है, ये देख के बहुत ही खुशी लग रही है और धन्यवाद। अगले वर्ष इससे भी बढ़िया कार्यक्रम और ज्यादा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर एक और इसी जिस पार्ट में ये पूजा हो रहा है एसएम कॉलोनी में, वहाँ की पंचायत मेंबर है, ये तृणमूल कांग्रेस के से टिकट से जीती थी और भाजपा से जीती है। और ये मिसाल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा, कोई पार्टी का यहाँ भेदभाव नहीं है, सब भक्त एक साथ है। आप क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले बार हमारे संकुलन में शिव मंदिर के पास दुर्गा पूजा हुआ और सारा महिला इतना खुश है और सभी इतना खुश है। और हमारे बच्चे लोग के मैं बधाई देता हूँ कि इस बार जैसा से किया है अगले साल इससे अच्छा हो। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तो अभी आप दोनों यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सुना दर्शक वृंद, और देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आरती शुरू हो गया है और ये भव्य आरती का आयोजन हुआ है। और देखिए भक्तगण आरती करने लगे हैं, ये दिखाइए सभी महिलाओं को के हाथों में आरती का दिखाइए, थाली आरती का थाली दिखाइए, ये आरती का थाली देखिए सब लोग लेकर यहाँ संध्या आरती। आज नवमी के दिन संध्या आरती पे सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कितना भक्ति भाव वाला माहौल है ये बीनागुड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में। शिव मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोग देखते रहिए एनआई फास्ट न्यूज और माता आप पर कृपा बरसाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ दुर्गे, हर हर महादेव।